श्री शिवाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर मकर संक्रांति का दूसरा दिन है। ये आलू भर के पराठा बना रहे हैं। सुबह सुबह का समय, सुबह क्या है कि हम लोग का तो आजकल 9:30 बजे तक सुबह होता है। खाना में तो इतना लेट हो जा रहा है कि क्या बताएं आप लोग। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और ऊपर से रात के जगह रही है ना, तो बिहने पहना नींद खुलबो करता है बड़ा लेट से। अगर खुल भी गया तो जाड़ा में निकलने का मन नहीं करता है, लगता है कि रजाई में ही घुसल रहे। और वो यही होता है, मतलब कि रजाई में घुसल रहिएगा ना तो न निकलने का मन से ही 9:30 अब लगता है कि नहीं अब उठेंगे। तो आलू भर के बनाना था, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया था क्योंकि रात को ही हम आलू मैश करके रख लिए थे। सुबह परसी बनाना था, इसलिए सोचे कि चलो अभी पड़ा रहते हैं। तब पर भी रोज़ खाने में इतना लेट हो जा रहा है कि क्या बताएं। और देखिए क्या फूली फूली मेरे आलू भर के रोटी बन गया है, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। और मेरा ना इसमें ना क्या बोलते हैं स्टफिंग एकदम कोच कोच के मेरा भरा रहता है। और तुम तो निकम्मा बैलवा करो, इधर आवाज़ आएगा। इतना मतलब कि स्टफिंग इसमें भरते हैं ना कि कितनों लेट मेरा आलू भर के पराठा रहेगा, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तब तक ये एकदम से मुलायम सॉफ्ट के सॉफ्ट ही रहेगा मेरा आलू का पराठा। कभी भी ये काढ़ा नहीं होता है, कितने आदमी का काढ़ा हो जाता होगा, लेकिन इसमें स्टफिंग के कारण इतना मुलायम रहता है। देख लीजिए मस्त बन के आता है। एक से दो मतलब कि मुश्किल से 3 पराठा एक आदमी के लिए बन गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग खाने। अरे तो यहीं पे रहेंगे हम तो बाबा, यहीं रहेंगे हम, कहाँ जाएंगे तुम लोग को छोड़ के, हम कहाँ जाएंगे तुम लोग को छोड़ के। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जान हो। नहीं लिपकिस, नहीं लिपकिस हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। राम आएंगे तो आगे ना सजाएंगे। वहां से थाली दो तो बेबी। अच्छा ठीक, बस काम कंप्लीट। ले आप ये हम लाने के, थोड़ा मार भात बना है। मार भात चोखा प्याज नींबू का अचार, तुमको तो गड़गड़ लगा खाने में। हम यही प्रेम से खाएंगे मार भात। ये तो ढकना ले ली है हटपट के, उधर चल बैठे बैठ के मोबाइल तो है जो ले लिया हटपट के ढकना, तो सब रोटी करा हो जाते। हम रोटी में चीज डालेंगे। आलू भर के रोटी में चीज का खाल जाए। हां चीज खा। मरगिला चावल अत साग ले लिया, डाइनिंग टेबल पर रख ले तो तनी सगवा। पहिया बाइट आप लोग खाइए। मरगिला भात, मरगिला भात हम लोग इसको बोलते हैं। चोखा और कुछ लाना है? हां ढक्कन उसका बोला गया समझ में। हां हटपट के नींबू का अचार जिंदा और प्याज है? नहीं यार मर गया है, कल ही मर गया है। नहीं ये इसका भाई, पता नहीं ये उसका भाई जिंदा था आसिर। नहीं पता, ये हम लोग का बैठना पढ़ना दुर्लभ कर ले लेके। हटता है कि नहीं, तुम हटता है जैसे देखो तुम्हारा सबको देखेगा कि छिछी बच्चा है मम्मी को तंग करता है। ये राम छिछी बच्चा है मम्मी को तंग करता है। अरे बाप रे बाप, पेट का खोल दिया। सबको देख रहा है, पूरा पब्लिक देख रहा है। कहाँ कहाँ के लोग देख रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा डेयरी मिल्क हो गया है, कटा है। हाँ तो नहीं इसको बुद्धि मिलेगा ना कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, छिया छिया काम है। देखो देखो सब कुछ देख रहा है, सब देखो देखो देखो, इधर देखो इधर देखो इधर कहीं मैंने मैं देखो नहीं यार। अरे हाँ हाँ छोड़ लो तो ला तो छोड़। अरे बाप रे हमारे हाथ तो बाइट करेगा ना मम्मी को। ये देख रहे हैं कैसे करता है, हमको झीलिए नहीं देता है कहीं। असला वहां दे सुगरा दिए सीधे बाबू के ऊपर देख खरीद करने करने दुख है। तो एने 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 करने 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 एने 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 ऐसे ही कीजिएगा तो नहीं अस्थिर रहेगा ना, तो ये अस्थिर नहीं रहने देता है। तनि सोचे ना कि पढ़े, तनि आए हैं पढ़ने, तो ठंडा इतना कैले है ना कि कहूँ अथी करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करें। आए हैं पढ़ने तो हमको पढ़ने नहीं दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है कि तन पढ़ो। 5:30 बोल रहे हैं, 6:30 हो गया है। भर दिन तो लोग रजाइए में रह रहा है।
उतने ठंडा लग रहा है, उतने ठंडा लग रहा है कि क्या बताएं आपको। निकलने का मन नहीं कर रहा है। अभी शाम का खाना बनाना, आलू का पराठा बना है फिर इतनी घड़ी, अब मरगिल्ला चावल बनाया है अपने लिए। पैर दुखा रहा है, दबा रहे हैं ना पैर। बारह साढ़े बारह हो रहा है, कितना बज रहा है? 12:35 हो गया है। घी लिट्टी चोखा का है, घी लिट्टी चोखा का है, घी लिट्टी का अच्छा रहता है, उसमें घी डाल के डिप करके देना पड़ता है। रात के 12 बजे के बाद ये सुबह का क्लिप बनाए हुए हैं। हम रात के 12 बजे आए ना ऑर्डर, जो आप लोग को दिखलाए हैं, लिट्टी चोखा का आया और चूड़ा फ्राई का आया। तो मतलब कि बेरी बेरी आ रहा था ना, तब दूसरा भी ऑर्डर रहता है, कभी पराठा भुंजिया का, आलू पराठा का, ऊपर से चूड़ा भी फ्राई करना है, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था रात को। तो सोचे ना, रात के सोने का ही सो, रात भर सोए कहाँ, तो ये प्रॉब्लम है कि रात भर सोए कहाँ। तो यही सोच रहे थे ना कि सुबह पहर उठ के सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि चूड़ा भूंज के और बादाम भूंज के रख देंगे, क्योंकि सिर्फ गोभी फ्राई करना रहेगा, क्योंकि गोभी ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। यानी वॉल्यूम कम करना अपना मोबाइल का, बार बार आशीष बराजा बजा दे रहे मोबाइल, तो इसलिए ये सुबह उठ के ही पहला काम हम किए कि पहले चूड़ा भूंज लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फ्रेंड, इसलिए हम यहीं पे रखेंगे, बस खाली ये दिखला देंगे कि क्या क्या बना है। बादाम उदाम भी भूंज लिए थे, तो ये वो क्लिप भी इसमें हम डाल दे रहे हैं, अब बाकी अगले हम वीडियो में डालेंगे। तो आप लोग को प्लीज़ अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बादाम भी भूज के रख लिए है, इससे बड़ा दिक्कत हो जाता है। और दाल बना लिए, ये देखिए चावल सिर्फ बनाना है, बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट, 10 बजे उठे हैं ना तो लेट हो गया। सब तो खा लिया है, लेकिन मेरा बेटा बेटी सिर्फ चूड़ा और बादाम खा के अभी तक है। यहाँ पर सब्जी बन रहा है, आलू बैंगन और सेम का चढ़ा दिए हैं। सब्जी हो जाए जा रहे हैं बैग पट्टी, चावल इधर चढ़ा देंगे। रात भर जगल थे तब चाय पी लीजिए, तो उसके बाद नींद भी नहीं आता है ना, चाय पी लिए थक गया था मिजाज, रात भर जगल जगल अम्मी के बोले कि तुम चाय बना दो, वो भी पढ़ती है तो रात भर तो वो बेचारी ड्यूटी अथी दे रही थी ऑर्डर।